आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने में जो मेल का बॉडी होता है वो सिर्फ यहाँ तक ही वो इंटर हो पाता है और यहाँ पर हमारे सर्विक्स का मुंह ऑलरेडी बंद होता है। तो इतने में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा हमारा यहाँ होता है और यहाँ होने के साथ साथ बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, तो बच्चे को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होता है। हालांकि आप जब भी प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करें, आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रेगनेंसी के दौरान संबंध रखने से लेकर बहुत सारे डाउट्स चलते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम खुलकर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है हम डॉक्टर के पास भी विजिट करते हैं, हम अपने गायनिक के पास विजिट करते हैं, बट उससे भी हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, हम उससे भी अपने मन के अंदर चल रहे सारे सवालों को उससे खुलकर नहीं पूछ पाते हैं, उससे खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान संबंध रखने से क्या आपके शिशु में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या आपके गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान होने वाला है, क्या उस तक सपोज दैट मान लो हम संबंध रख रहे हैं तो क्या उसको पता चलने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि महिलाओं के मन में मोस्टली चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही तमाम सारे सवालों को खुलकर डिस्कस करेंगे। हम बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करने वाले हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान, जब आपने गर्भ धारण कर लिया है तो गर्भ धारण करने के बाद जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब आप संबंध रखते हैं तो क्या हमारे बच्चे को पता चलने वाला है या नहीं पता चलने वाला है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको आपका प्रजनन तंत्र समझना बहुत जरूरी है। एक महिला का प्रजनन तंत्र समझना बहुत जरूरी है, किस पॉइंट पर विजाइना होती है, किस पॉइंट पर सर्विक्स होती है और कहाँ पर महिला का यूट्रस होता है और कहाँ बेबी होता है। तो हम आपको बता दें, जो आप यूट्रस देख पा रहे हैं, इसको समझाने के लिए, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम आपको ले चलते हैं फिगर की ओर। तो इसको समझने के लिए आपको इस प्रजनन तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता दें, जो आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं, ये महिला का यूट्रस है। इस ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यूट्राइन लाइनिंग है, यहीं पर बेबी इम्प्लांट होता है। तो बच्चा यहाँ पर विकसित होता है, जो बच्चे का विकास होता है वो महिला के यूट्रस के अंदर होता है। ये गर्भाशय है और इसमें ही बेबी 9 मंथ तक रहता है। और इसके आगे बात करते हैं ये पॉइंट की, तो ये महिला की सर्विक्स है, ये पीरियड्स के दौरान, ओविलेशन के दौरान, और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये प्रसव के दौरान, ये केवल 3 टाइम ही ओपन होती है। ये महिला की सर्विक्स है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एक बार जब एक महिला गर्भधारण कर लेती है तो गर्भधारण करने के बाद ये जो सर्विक्स होती है ये खुद ब खुद ये प्राकृतिक होता है, ये पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद से बंद हो जाती है और उसके बाद ये प्रसव के समय ही ये ओपन होती है। प्रसव से 1 हफ्ता पहले या फिर कुछ महिलाओं को 10-15 दिन पहले ये ओपन होना शुरू हो जाता है, ये बाद की बात है, फिलहाल ये प्रसव के समय ही ओपन होती है। जैसे ही आप गर्भ धारण करते हैं देन आपके कंसीव करने के बाद ये जो सर्विक्स है ये खुद से बंद हो जाती है। और हम आपको बता दें, जो आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं, ये महिला की वेजाइना है, जो आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप प्रेगनेंसी से पहले आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने में जो मेल का बॉडी होता है वो सिर्फ यहाँ तक ही वो इंटर हो पाता है, मोस्टली यहाँ तक। जो लास्ट उसका पॉइंट होता है वो सर्विक्स के मुंह तक ही इंटर हो पाता है और यहाँ पर हमारे सर्विक्स का मुंह ऑलरेडी बंद होता है। तो सपोज दैट जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो जो मेल का बॉडी पार्ट है वो सिर्फ यहाँ तक इंटर हो पाता है, महिला की विजाइना में ही वो इंटर हो पाता है। तो महिला की विजाइना का जो पार्ट होता है वो यहाँ से फिनिश होता है, वो यहाँ से एंड होता है। तो इतने में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा हमारा यहाँ होता है और यहाँ होने के साथ साथ बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। तो बच्चे को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं
नहीं होता है। हालांकि आप जब भी प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोश करें तो आप प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन जब आप यूज करते हैं तो बाहर के जितने बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई भी और जो अदर चांसेस होते हैं खतरे के, वो भी बहुत हद तक घट जाते हैं। वैसे तो मोस्टली हमने आपको समझाया कि जो आपका बेबी होता है वो पहले तो आपकी विजाइना के ऊपर होता है, वो सर्विक्स के ऊपर होता है, वो हमारे यूट्रस में होता है, और यूट्रस में होने के साथ साथ वो एम्नियोटिक सैक के अंदर होता है, वो एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। तो आप जब भी ऐसे में इंटरकोश करते हैं तो बच्चे को हमारे कोई हार्म नहीं होता है, बच्चे को ये नहीं महसूस होता है। कई सारे लोगों को ये मिथ होता है कि बच्चे को किक महसूस होने वाली है क्या, तो हम आपको बता दें जी नहीं, इसका आंसर है नो। आपके गर्भस्थ शिशु को बिल्कुल भी किक महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में जो गर्भाशय की लेयर होती है उसमें वो कैद होने के साथ साथ, उसमें वो सुरक्षित होने के साथ साथ वो एम्नियोटिक सैक के अंदर भी होता है, तो वो डबल लेयर में सुरक्षित होता है। और आप जब इंटीमेट होते हैं, जब आप संबंध बनाते हैं, तो जो मेल का पार्ट होता है, मेल का बॉडी पार्ट होता है, वो महिला की सिर्फ विजाइना में ही इंटर हो पाता है, और बच्चे तक पहुँचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति आप प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोश करें या फिर प्रेगनेंसी से पहले, बाद में आप कभी भी इंटरकोश करें, सिर्फ हमारे सर्विक्स के मुंह तक ही मेल का बॉडी पार्ट टच हो पाता है, वहां तक पहुंचना भी काफी रेयर होता है। तो हम आपको बता दें बच्चे को कोई भी प्रकार का हार्म नहीं होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आपकी पोजीशन। जो शुरुआत का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप अप एंड डाउन पोजीशन भी ले सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी बेली का साइज बढ़ता है, आपके बेली का आकार बढ़ता है, देन आपको अप एंड डाउन पोजीशन नहीं लेना है। इससे आपके बेबी को रिस्क हो सकता है, क्योंकि जब आप अप एंड डाउन पोजीशन हैं तो ऐसे में फिर आपके बेबी पर प्रेशर पड़ता है, आपकी बेली पर प्रेशर पड़ता है, तो आपके बच्चे को हार्म हो सकता है। जितने सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमें संबंध रखने से बच्चे को कोई हार्म होता है, तो हम आपको बता दें जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ जब आप पोजीशन का चुनाव करते हैं, जब आप राइट पोजीशन का चुनाव करते हैं, तो आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है। अदरवाइज जब आप रॉन्ग पोजीशन का चुनाव करेंगे, देन जाहिर सी बात है आपके बच्चे को हार्म हो सकता है, क्योंकि जब आपकी बेली का साइज बढ़ गया होता है, देन आफ्टर अगर आप अप एंड डाउन पोजीशन का चुनाव करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में आपके बच्चे को रिस्क हो सकता है, आपके बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा, आपके बच्चे पर जब दबाव पड़ता है तो आपके बच्चे के लिए काफी ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप साइड टू साइड या फिर आप कई सारी पोजीशंस होती हैं उनका चुनाव करें, अगर आप इंटरकोश करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये मिथ था कि इंटरकोश करने से हमें बच्चे पर कोई, हमारे बच्चे पर कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर कोई रिस्क होता है, तो इसका आंसर नो है। और इससे अगर कोई आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो फिर आपको गायनिक आपका मना करता है कि आप इंटीमेट होने से बचें, आप शुरुआत के दिनों में इंटीमेट होने से बचें। बट अगर बात करें नॉर्मल प्रेगनेंसी की, तो बच्चे को कोई रिस्क नहीं होता है, सिर्फ उस स्थिति में जब आप एक राइट पोजीशन का चुनाव करते हैं, जैसे जैसे आपकी बेली का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी बेली का आकार बढ़ता है, देन आपको अप एंड डाउन पोजीशन का चुनाव नहीं करना है, अप एंड डाउन वाली पोजीशन को अवॉइड करना है। आप साइड टू साइड या फिर आप स्टैंड पोजीशन का चुनाव कर सकते हैं। और आई होप कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे, आई होप कि आज के इस वीडियो से हम आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी दे पाए होंगे। और वाकई अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल सीखा हो आपने, कुछ आपको हेल्पफुल जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि जितने सारे लोगों को ये डाउट रहता है प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेट होने से, प्रेगनेंसी के दौरान संबंध रखने से, जितने सारे सवाल होंगे, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने गर्भधारण कर रखा है या फिर जो लोग गर्भधारण करने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ हमारी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के सीरीज में। आप यूं ही जुड़े रहें और अपने गर्भस्थ शिशु के सप्ताह दर सप्ताह विकास के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।